Natasha Suri, and such a pleasure to be on Viral Bollywood. Actually, as a model, you keep upgrading your portfolio. आप तरह तरह के looks में shoot करते हैं हर 6 महीने में best photographers के साथ. So this is one of them. And हर 6 महीने में अपना एक photo shoot कराती हूँ एक अच्छे photographer के साथ इंडिया के. And this is one of them. तो आज कौन सा photographer है आज photo shoot किया उसके बारे में बताना चाहिए. क्या पसंद आया एक्चुअली आज हमारा शूट हितेश के साथ था, हितेश कनेरिया के साथ. उन्होंने बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स के साथ काम किया है, उनकी इतनी खूबसूरत फोटोग्राफ्स लिए हैं. एंड वी हैड अ लवली शूट टुडे एंड हमने कुछ इंडियन शॉट्स भी लिए. माई फेवरेट वॉज द ऑल वाइट लुक. हमने एक ऑल वाइट लुक किया जहाँ पे आई हैड basic plain makeup and straight hair and white t-shirt and happy smiley photographs like portraits. That was my favorite. इसके अलावा आपके आने वाली फिल्म है अनुपम जी के साथ और मनीष पॉल के साथ. जी तो किस तरह की फिल्म है कुछ बताना चाहिए, कहानी किस तरह की आप? जी सो बाबा ब्लैक शीप इज अ कॉमेडी थ्रिलर एंड इट हैज एन एंसेंबल कास्ट ऑफ अनुपम खेर जी, अनु कपूर जी, केके मेनन, मनीष पॉल, मंजरी फर्नेस एंड माई सेल्फ. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी इन दिस प्रोजेक्ट कि इतने सारे अच्छे हुए मंजे कलाकारों के साथ मुझे मौका मिला काम करने का. इट्स अ लाइक आई सेड कॉमेडी थ्रिलर. जब आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा. मुझे खुद को बहुत मज़ा आया जब मैंने स्क्रिप्ट सुना. तो लोगों को आप हंसा रहे हैं ज़्यादा फिल्म में या? ये मैं एक्चुअली आपको नहीं बता सकती, बट आप थ्रू आउट द फिल्म हंसते रहेंगे. हर कैरेक्टर की अपनी एक जिम्मेदारी है, कोई हंसा रहा है, कोई डरा रहा है, कोई रुला रहा है, बट ऑल एंड ऑल आप फिल्म को देखकर एकदम इनग्रॉस्ड होंगे. इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ तो अनुपम जी की बात करूँ जी, कैसा रहा जब सीनियर एक्टर बॉलीवुड जी, और मनीष पॉल वो तो कॉमेडियन जी, एंकर है जी, कैसा रहा कुछ बताओ? अनुपम जी, यू नो अभी मैं उनको आईफा पे मिली और वो मेरे सामने आए और उन्होंने मुझे गले लगाया एंड आई वॉज सो थ्रिल्ड टू सी हिम. सच एन ऑनर फॉर मी टू बी एक्टिंग विद हिम इन द सेम फ्रेम. उनको अगर आप सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे ना तो ही इज़ एन एक्टिंग स्कूल इन हिमसेल्फ. सो आई एम लाइक आई सेड वेरी वेरी एक्साइटेड कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला. एंड मनीष इज वन ऑफ द नहीं, आई थिंक द बेस्ट होस्ट इन द कंट्री. So and मैं personally believe करती हूँ कि he is a very good actor. So host के तौर पर उनको इतना success मिला है, now I think it is time for him to also explore himself as an actor and I think this film will do that for him. अगर मैं बात करूँ तो साउथ इंडियन फिल्म भी आपने कही एक success किंग लायर करके जी जी. तो what is the difference between the Bollywood and South Indian film? क्या डिफरेंस है? आई थिंक साउथ की जो फिल्में हैं, जो मैंने फिल्म की है मलयालम किंग लायर करके,
दिलीप के साथ. एक्चुअली वो सुपर हिट हो गई एंड विच इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर मी. सो वहाँ वो फिल्म एक्चुअली बहुत जल्दी शूट हुई और बहुत जल्दी रिलीज़ भी हो गई. तो वहाँ पे ना काम करने का तरीका है कि खटखट खटखट खट आप शूट कर रहे हो, वो फिल्म रिलीज़ हो जाती है. बॉलीवुड में समहाउ प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, ये मैंने रियलाइज़ किया है. और बाकी सेट्स का एम्बियंस तो हमेशा हर जगह सेम ही होता है. अगर आपको यूनिट के साथ मज़ा आ रहा है तो मतलब फिर तो बहुत मज़ा आएगा आपको. बाकी डिफरेंस मुझे ये लगा कि ऑफकोर्स लैंग्वेज का डिफरेंस है, फेमिलैरिटी का डिफरेंस है, लेकिन वहाँ के जो फैंस होते हैं ना साउथ के, वो कुछ और ही होते हैं. मतलब वो आपको इतना प्यार देते हैं कि आप मतलब यू आर सो टच्ड. एंड आफ्टर द फिल्म रिलीज़ मुझे सोशल मीडिया पे इतने मैसेजेस आए किंग लायर के लिए कि आई वॉज जस्ट सो ओवरवेल्म्ड. सो आई रियलाइज कि साउथ के लोग कितने ज़्यादा इमोशनल एंड बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं. इंडस्ट्री की तरफ से क्या एक्सपीरियंस रहा, एप्रिसिएशन मिला, कुछ बताना चाहिए? एनी ऑफ योर फ्रेंड्स? आई शुड एक्चुअली शो यू ऑल द मैसेजेस आई हैव गॉट आफ्टर द फिल्म ऑफ अप्रिसिएशन, सेइंग यू वर लुकिंग वेरी नाइस, यू डिड अ वेरी गुड जॉब. Not just from my friends, also from people, you know, all the masses who watched the film. Like I said, mujhe aur protsahan mila and I really want to do more films down south and I hope ki main aur films sign karun down south. Modeling karna mushkil hota hai ya film karna, acting karna mushkil? Mushkil nahi kahungi main, but मॉडलिंग और एक्टिंग एक्चुअली बहुत डिफरेंट बॉल गेम्स हैं दोनों ही. मॉडलिंग में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, आप रैम्प पे चलते हैं, आप कपड़े एग्जिबिट करते हैं, आप फोटोशूट करते हैं और ख़त्म हो जाता है. एक्टिंग में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, आप कैरेक्टर में घुसते हैं, आप उसकी प्रेपरेशन करते हैं, आप महीनों उस कैरेक्टर में रहते हैं, आप एक यूनिट के साथ कंटिन्यूसली काम करते हैं एक विजन की तरफ, आप डायलॉग्स याद रखते हैं, आप खुद अपना खुद अच्छे दिखते हैं, आप इमोट करना, ये सारी चीज़ें एक साथ आना एक एक्टर के लिए मतलब इट्स व्हाट एन एक्टिंग जॉब इज़, राइट? सो एक्टिंग लाइक आई सेड इज़ देयर इज़ अ लॉट टू डू एज एन एक्टर. मॉडलिंग में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिमिटेड होती हैं. सो आई एम इन्जॉइंग दिस फेज ऑफ एक्सप्लोरिंग एक्टिंग बिकॉज जब आपको अपने अंदर का टैलेंट और एक्सप्लोर करने के लिए मिलता है तो ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है. पता है मैं जिस फेज में हूँ, मैं अच्छा काम करना चाहती हूँ. जो ऑफर्स मुझे आएंगे उसमें से मैं जो मुझे लगेगा कि ये मुझे करना चाहिए मैं डेफिनेटली करूँगी. सो राइट नाउ इज़ नॉट द टाइम टू बी चूजी. हाउ एवर जो मुझे मिलेगा मैं उसमें से जो मेरे लिए राइट होगा वो चूज़ करूँगी. बट मेरा ड्रीम रोल क्या होगा? माई ड्रीम रोल आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक पिंक. आई थिंक इट्स एन अमेजिंग फिल्म. आई ऑल्सो थिंक कि एतराज़ का जो रोल था प्रियंका चोपड़ा का, आई थिंक आई वुड ऑल्सो लाइक टू अटेम्प्ट दैट, यू नो. जैसे इनसाइड एज करके मेरी वेब सीरीज़ है जो मैंने की है, जिसमें विवेक ओबेरॉय है, रिचा चड्ढा है, लॉट्स ऑफ गुड एक्टर्स इन इट. उसमें आई एम प्लेइंग अ वेरी पावरफुल वुमन, सो आई एन्जॉयड डूइंग दैट. सो वेब सीरीज करना जी, ये करना फिल्म जी, जल्दी से जल्दी जी हो जाते हो. फिल्म में क्या सिनेमा घर है, अलग तरीका है, तो क्या डिफरेंट है? आपने तीनों ही कर दिया, साउथ इंडियन फिल्म भी कर ली, फिल्म भी कर ली बॉलीवुड और वेब सीरीज भी कर ली आपने, तो क्या अलग है? मैंने ये रह रहा है इसके कि जब आप फिल्म करते हैं ना तब मासेस ज़्यादा देखते हैं उस फिल्म को. जब आप वेब सीरीज करते हैं तो लोग अपने घर के कंफर्ट में बैठकर अपने फ़ोन पे डाउनलोड करते हैं उस वेब सीरीज़ को, अपने टाइम के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से उसको देखते हैं. तो कहीं ना कहीं वो जो फ्रेंजी होता है जो एक फिल्म स्टार को मिलता है, शायद वो वेब सीरीज़ में ना आए. लेकिन वेब सीरीज़ का ये फ़ायदा है कि एक वेब सीरीज़ की रीच बिकॉज ऑफ डिजिटल स्पेस बहुत ज़्यादा हो सकती है. अगर इंडिया में ये वेब सीरीज़ का जो ये फीवर है अगर ये पकड़ जाता है तो वेब सीरीज़ का रीच कैन बी सो बिग एंड कितने सारे वेब सीरीज़ बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं. सो इज दैट कि द डिफरेंस आई वुड फील इज़ मेहनत उतनी है, आपको शूट पे जाना है, आपको सेट में काम करना है,
सारा मेहनत वही है, खाली ये है कि शायद फिल्म्स में जो जिंगबैंग के साथ जो फिल्म्स रिलीज होती हैं, यू नो पूरा फैनफेयर होता है और ट्रम्पेट्स ब्लो होते हैं, शायद वेब सीरीज वो नहीं होता, लेकिन वेब सीरीज की रीच भी उतनी हो सकती है। आईफा की बात करूँ तो आईफा में बहुत बड़ा मजाक उड़ाया था कंगना जी का, तीन बड़े जो रिचेस्ट मैन हैं कहा जाते हैं बॉलीवुड की, उन्होंने काफ़ी मजाक उड़ाया था और उसके बाद काफ़ी मीडिया ने उनकी आलोचना भी की, तो आप क्या कहना चाहेंगे? यू नो आई फील उस स्तर पे आकर यू नो दीज पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, जिन्होंने आप जिनकी बात कर रहे हैं, राइट फ्रॉम करण जौहर टू कंगना, दोनों ही इंटेलिजेंट लोग हैं, पर वहाँ पर आकर आई फील ये कहना आई थिंक वो मजाक कर रहे थे पर्सनली, बिकॉज लाइक आई सेड देयर इंटेलिजेंट पीपल, अगर उनको रियली कुछ कहना होता तो वो कहीं और जाके कह रहे थे, वो आई एम श्योर मजाक था। हाउएवर सोशल मीडिया इज़ वेरी डेंजरस, मतलब आप जो कहते हैं वो चीज़ कुछ और बनकर बाहर निकल सकती है, मेरे साथ भी ये हुआ है, मैं कुछ और कहा है और कुछ और बनकर वो बाहर निकला है, सो आई फील ऐसे टाइम पे शायद सोशल मीडिया के टाइम पे जहाँ चीज़ें मरोड़ी जाती हैं शायद इट डजंट कम अक्रॉस एज रिगार्डिंग नेपोटिज्म इन बॉलीवुड जी, जो कंगना ने कहा, आप क्या सोचते हैं एज अ सेलेब, आप भी मॉडल से अपना करें, कितना मुश्किल होता है? डेफिनेटली मुश्किल होता है, मगर अगर आप एक फिल्म फैमिली से हैं तो आपके लिए रियली थोड़ा सा आसान हो जाता है, आई डोंट नो थोड़ा सा या शायद ज़्यादा भी आसान हो जाता है एक फिल्म को क्रैक करना, आप जब बाहर से आते हैं इतना ईजी नहीं होता है आपके लिए क्रैक करना, सो आई वुड से कि डेफिनेटली नेपोटिज्म है, बट नेपोटिज्म बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में है, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में है, और इंस्पाइट ऑफ दैट बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने खुद के दम पर सक्सेस हासिल की है, लाइक शाहरुख खान, लाइक कंगना रनौत, लाइक श्रीदेवी, सो मेनी आई कैन नेम, अगर मैं बात करूं अमिताभ बच्चन जी, यू नो, सो आई थिंक देयर आर टू साइड्स ऑफ द कॉइन। अगर मैं बात करूं तो तीनों खान किसके साथ आप काम करना चाहे, और अरे यार मेरा आई विल बी थ्रिल्ड अगर मुझे तीनों खान्स के साथ काम करने का मौका मिले, ये भी मतलब माय ड्रीम कम ट्रू। बात करूं क्वालिटी आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट शाहरुख खान इज हिज एनर्जी, मतलब ही इज लार्जर देन लाइफ, यू नो, सो उनके साथ आई मीन काम करना, आई थिंक थोड़ा तो इंसान पहले ऑ में आ जाएगा, और तो आई थिंक तीनों खान्स के इसमें आ जाएगा कोई भी, बट आई थिंक शाहरुख खान इज़ लार्जर देन लाइफ, ही इज़ नोन एज किंग खान, ही इज़ द रूलर ऑफ बॉलीवुड, सलमान खान इज़ नोन एज अ बादशाह ऑफ बॉलीवुड, बट आई थिंक उनका जो डिमीनर है वो थोड़ा यू नो थोड़ा सा सीरियस है, सो हिज होल एनर्जी इज़ वेरी इंटिमिडेटिंग, मतलब यू नो ही इज़ गॉट दैट powerful aura about him. About Mr. Aamir Khan, I think he is somebody so intellectual. Matlab, he is somebody who you can easily go and talk to. He is, I think, more maybe he is, I think, a more people's person. You know, ki socially bhi wo bahut zyada aware hain aur सोशल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, सो आई थिंक दैट मेक्स हिम अ वेरी वेल राउंडेड इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ थिंकिंग एक्टर, सो वॉट अ ड्रीम कम ट्रू इट वुड बी फॉर मी टू गेट अ चांस टू वर्क विद ऑल द थ्री खान्स। गॉड आर यू लिसनिंग? इसके अलावा हमें बात करूँ तो इंडिपेंडेंस डे आ रहा है 15 अगस्त को, जी देश के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज देगा लोगों के लिए, आपके फैंस के लिए? हाउ स्वीट, मेरे फैंस के लिए मेरा क्या मैसेज रहेगा? यू नो जब हम बाहर ट्रैवल करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यहाँ की सड़कें कितनी अच्छी हैं, बाहर देशों की सड़कें अच्छी हैं, यहाँ के कितनी सारी चीज़ें, गार्डन्स बेटर हैं, रोड्स बेटर हैं, पानी की सुविधाएं बेटर हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत बेटर हैं, लेकिन जब हम वापस आते हैं अपने कंट्री में, आप को ऐसा लगता है जैसे आप घर आ गए, और कचरा है, ऑफ कोर्स है, एंड आई रियली होप कि
इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स इंडिया की जो पोटेंशियल है और जो कैपेसिटी है बनने की, जो सुपर पावर हम बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है. बट ये सब करने के लिए पहले हम सबको एक साथ हाथ जोड़ना पड़ेगा. ऐसे नहीं हो सकता कि हम दूसरों को बोलो कि अच्छा आप कर लेना, हम यहाँ पे थूक लेंगे, हम कचरा फेंकेंगे. हम सबको एक साथ काम करना पड़ेगा. इस चीज़ को मेरे ख्याल से टाइम लगेगा, हमें वो पोटेंशियल है और हम वो बनेंगे. बट इंडिया इज़ माई हाउस, इंडिया इज़ माई होम, इंडिया इज़ माई मदर लैंड. तो मैं दुनिया में कहीं भी घूम के आती हूँ, अप्रिशिएट भी करती हूँ कि वाओ ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं यहाँ पे. लेकिन जब मैं इंडिया आती हूँ तब मेरे दिल में सुकून आ जाता है. फिटनेस की बात करें तो आप काफ़ी फिट है, तो फिटनेस के लिए क्या करते हैं आप? योगा करते हैं, जिम करते हैं? अच्छा, आपको लगता है मैं फिट हूँ? अच्छा, थैंक यू. एक्चुअली मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती. मैं वॉक करती हूँ. मैं खाने पर बहुत ध्यान देती हूँ. मैं कोशिश करती हूँ कि राइस ना खाऊँ, ज़्यादा ऑयली ना खाऊँ, फ्राइड ना खाऊँ, थोड़ा शक्कर कम खाने की कोशिश करती हूँ. सो ये सारी चीज़ों से मेरा बॉडी बहुत बैलेंस हो जाता है. बट मैंने वर्कआउट करना इनफैक्ट रिसेंटली शुरू किया है. सो आई थिंक इट्स ऑल्सो अ लिटिल बिट ऑफ मेटाबॉलिज्म और फैमिली जेनेटिक्स. सो मैं अब एक्चुअली पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी फॉर मेकिंग मी लीन लाइक दिस. इसके अलावा आपने कहा कि पिंक फिल्म आपको काफ़ी पसंद है. जी, जो लड़के होते हैं वो स्टॉकिंग करते हैं महिलाओं को लेके, तो आप क्या कैसे देखते हैं? क्योंकि हाल ही में एक घटना हुई है जहाँ पर एक आदमी जो स्टॉक करता है महिलाओं को, बहुत चर्चे पे है, न्यूज पे है आजकल. तो आप क्या कहना चाहिए, स्टॉकिंग कितना गुना है, आप क्या कहना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि और ऐसे लोगों को जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, जेल में डालना है आपका. मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन इंडिया की जुडिशरी बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगी और जिस दिन उनको सज़ा, किसी भी क्रिमिनल को या कोई भी जो कुछ गलत कर रहा है उसको सज़ा अगर यूँ मिलने लगे, तो किसकी हिम्मत होगी यहाँ पर किसी को छेड़ने की, किसी को तंग करने की, किसी लड़की को परेशान करने की? सो आप और मैं कह सकते हैं कि ये होना चाहिए होना चाहिए, बट ये जब तक नहीं होगा ना, ये सारे क्राइम्स बंद नहीं होंगे. लोगों के दिल में डर बैठना बहुत ज़रूरी है कि अगर उन्होंने वो ऐसा कुछ करते हैं, अगर वो लॉ क्रॉस करते हैं, दे विल नॉट बी स्पेयर्ड. मतलब उनके गले में फंदा आ सकता है. जब तक ये डर उनके दिमाग में ना बैठ जाए तब तक कैसे चीज़ें चेंज होंगी? आई रियली होप हमारे लॉ स्ट्रिक्ट हो जाएँ. अब मैम एक और बात है, माइंडसेट चेंज किस तरह से किया जाए? क्या घर पर ही जाते ज़्यादा लोगों को, माता पिता को ध्यान देना चाहिए उनके लड़कों को? आपने बहुत सही कहा. एक्चुअली माइंडसेट कैसे चेंज होगा? हमारे घर से. आदमी वो होता है जो उसकी माँ उसको सिखाती है. सो अगर आपको चेंज चाहिए तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके घर से शुरू होती है. वो जो आपको कहेंगे कि अपनी बीवी की इज्जत करो, उसकी रक्षा करो, अपने बच्चों को प्यार करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, उनकी सेफ्टी ये करो, तो आपके अंदर वो अंदरूनी आ जाएगा. अगर आप अपने बेटे को सिखाएंगे कि तुम अपनी बीवी को मारो और उसको घर से निकालो और उसको परेशान करो, तो वो ही करेगा. क्योंकि जो आपके रूट्स आपको सिखाएंगे, आप उस वो ही करेंगे अल्टीमेटली. सो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम अपने बच्चों को कैसे पालते हैं, उनको क्या सिखाते हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर. थैंक यू. आपने तो मतलब ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस निकाले.